हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर ओभिक घोष, बीएचएमएस एमडी, ए होम्योपैथ कंसल्टेंट फ्रॉम कोलकाता। आज का टॉपिक है सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस और नेक पेन और गर्दन का दर्द भी कह सकते हैं। हम लोगों में से अराउंड 50% लोगों में ये बीमारी दिखाई देते हैं। पहले के ज़माने में ये बीमारी, ये जो नेक पेन है, वो अराउंड 60 ईयर्स की उम्र के आसपास के लोगों में दिखा जाता था, लेकिन अभी तो 20-30 साल की उम्र में ही ये दिख रहा है। इसका रीज़न ये है कि हम लोग मोबाइल फ़ोन का यूजर्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अभी कंप्यूटर में लंबे समय तक बैठ के काम करना और एक रीज़न है, डेस्क जॉब इतना बढ़ गया है कि ये बीमारी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। अगर कोई लंबे समय तक खड़े रहकर हेड को टिल्ट करके सामने झुका के अगर कोई काम करेगा तो ये बीमारी आ सकता है। सडनली कोई चीखते हैं और खांसते हैं, इस टाइम पे भी गर्दन में चोट आ सकता है, उस वजह से नेक में पेन भी आ सकता है। और जो हार्ड वर्क करते हैं उसका तो ये बीमारी आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। सो नेक पेन का एक्चुअल एनाटॉमिकल कॉज क्या है, ये हमको जान लेना ज़रूरी है। उसके साथ साथ जो एनाटॉमी भी है वो भी हमको जानना है। तो हमारा जो सर्विकल वर्टिब्रा है वो C1 से लेकर C7 तक ये 7 वर्टिब्रा है, उसके बाद भी वर्टिब्रा है, लेकिन हर एक वर्टिब्रा के अंदर एक डिस्क होता है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं, वो है शॉक एब्जॉर्बर। अभी जो मसल्स भी है वो एक एक वर्टिब्रा को और एक वर्टिब्रा से जुड़ता है। अगर कोई काम हम लॉन्ग टाइम्स के लिए करते हैं उसके प्रेशर हमको नेक पे आते हैं और नेक मसल स्टिफ होता है, वो मसल स्टिफ होता है जो एक वर्टिब्रा से वर्टिब्रा तक हमको देखने को मिलता है। अगर वो स्टिफ हो जाएगा तो वर्टिब्रा को नज़दीक खींचेगा और उसके अंदर जो डिस्क है उसके ऊपर दबाव आएगा और डिस्क और वहाँ से जो नर्व निकलते हैं उसमें भी कॉम्प्रेशन आ जाएगा। अभी वो नर्व जहाँ जहाँ सप्लाई देते हैं हमको, वहाँ पे हमको दर्द महसूस होगा और झनझनाहट भी महसूस होगा। जैसे कि नेक पेन बैक में भी आ सकता है, नेक पेन दोनों साइड पे भी आ सकता है, नेक पेन कंधे होकर हाथ से लेकर उंगलियों तक भी आ सकता है और उसके साथ साथ हमको झनझनाहट भी महसूस हो सकता है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे क्लेम करते हैं कि जब वो बर्तन धोते हैं तब बर्तन हाथ से छूट जाते हैं। कभी कभी पेशेंट ये भी क्लेम करते हैं कि कुकिंग के टाइम पे उसके करछी और जो स्पून है वो भी हाथ से छूट जाते हैं। जो बहुत सारे पूरा दिन राइटिंग का काम करते हैं, जो राइटर है उसका भी पेन ठीक से ग्रिप पे नहीं आते हैं। ये सब सिम्टम्स है, एक ही कारण है उसका, वो है सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस। नेक पेन का और एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है वर्टिगो, दैट इज चक्कर आना। चक्कर आने का बहुत सारे कॉज होते हैं, जैसे कि गैस हो जाना, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर में भी चक्कर आ सकते हैं, ईएनटी का प्रॉब्लम है तो, ब्रेन रिलेटेड कोई इशू है तो चक्कर आ सकता है। लेकिन चक्कर आने का वन ऑफ द मेन रीज़न सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस है और नेक पेन ही है। अगर कोई पेशेंट मेरे पास आते हैं वर्टिगो का प्रॉब्लम लेकर और उसमें पहले वाले जो कॉज मैंने बताया है उसमें कुछ भी नहीं है, तब मेरा सस्पेक्ट जाते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के ऊपर और मैं इम्पोर्टेंस भी देते हूँ। तब भी जब पेशेंट के नेक में कोई दर्द है ही नहीं, सो हमको मालूम होना चाहिए कि वर्टिगो का प्रॉब्लम लेकर जो आते हैं उसमें नेक पेन हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। फ्रेंड्स, अब आते हैं मेडिसिन के बारे में। होम्योपैथी मेडिसिन सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और नेक पेन के लिए बहुत ही अच्छा काम करते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट। एटलीस्ट आपको पेन किलर की कोई ज़रूरत नहीं। नंबर वन, रस्टक्स 200 एक बूंद करके सुबह शाम 15 दिन, 20 दिन और 30 डेज तक आप ले सकते हैं। इसके साथ
मैकफोस 6X और मैकफोस 12X आपको जो भी मिलेगा आप ले सकते हैं 5 टैबलेट करके दिन में 2 टाइम दोपहर को और रात को, ऐसे करके 15, 20 और 30 डेज तक आप ले सकते हैं। ये दोनों मेडिसिन मसल रिलैक्सेशन के ऊपर काम करते हैं और दर्द कमाने के लिए मसल रिलैक्सेशन हुआ कितना ज़रूरी है आपको मालूम है, और ये दवाई खाने से आपको दर्द तुरंत रिलीफ मिल जाएगा अगर आप प्राइमरी स्टेज में हो तो। अगर 30 डेज कंटिन्यू करने के बाद आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोकल डॉक्टर के साथ संपर्क कीजिए, वो आपको ज़रूर एक्सरे लिखेगा, सर्विकल स्पाइन एपीलेटरल व्यू ये एक्सरे आपको कराना है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम और दिक्कत है तो अगर स्पॉन्डिलाइटिस मिलेगा और डिजनरेशन मिलेगा तो आपको और 2 मेडिसिन आपको लेना है। वो मेडिसिन है नंबर 1 सिम्फाइटम 1 mg 1 बूंद सुबह शाम, और हाइपेरिकम 1 mg 1 बूंद दोपहर को और रात को। ऐसे करके आप और 30 डेज तक ये कंटिन्यू कीजिए, आपका पूरा रिलीफ मिल जाएगा। ये जो दवाई मैंने कहा है ये आप ज़रूर लीजिएगा, आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा। मैं बहुत सारे पेशेंट को ये दवाई देकर ठीक कर चुका हूँ, मैं मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरा जो ऑफिस फ़ोन नंबर है उसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, चैम्बर टाइम पे आप कॉल भी कर सकते हैं, मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन देता हूँ, और मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फुल डिटेल्स आपको मिल जाएगा। अब आते हैं मैनेजमेंट के बारे में। पेशेंट को मेडिसिन के साथ साथ एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है, लेकिन वो एक्सरसाइज कभी भी मत कीजिएगा जब आपका दर्द ज़्यादा हो तो। पेशेंट को सॉफ्ट मैट्रेस पे ना सो के हार्ड मैट्रेस पे सोना चाहिए। पेशेंट को खुद पता है कि किस लिए किस काम की वजह से उसका ये दर्द नेक में दर्द आया है, तो वो काम को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। और पेशेंट जो काम कर रहे हैं वो काम कीजिए, लेकिन बीच बीच में थोड़ा टाइम लेकर थोड़ा रेस्ट लेकर आप काम कर सकते हैं। जैसे कि 55 मिनट्स आप काम कीजिएगा, उसके बाद 5 मिनट्स और 10 मिनट्स के लिए थोड़ा रेस्ट लीजिए, उसके बाद फिर से वो काम शुरू कर सकते हैं। आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आने वाले वीडियोस में मैं मेरा जो इतने सारे पेशेंट का जो एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर कर सकूं। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।